आप लोग जो है इसको कैसे कैसे तैयार करते हैं? ये काटते हैं ऐसे करके, ऐसे करके इसको काटा जाता है, छाटते हैं। जो है मार्केट में कौन लेके जाता है? ये गांवों में फेरी भी घूमते हैं, दुकानों पर भी दे के आते हैं, बस ये अपने बच्चे पालन कर रहे हैं। किसानों से क्या नाम है, लाते हैं हम मोल के, हमारे लिए कोई फायदा ना होता है इनमें, बच्चों को पालने में दुश्वार हो जाते हैं। तो ये प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक लानी पड़ती है ऐसे? हाँ जी, प्लास्टिक लानी पड़ती है, ये मोल की लगती है। पढ़ना चाहते हो? पक्का बताओ, पक्का बताओ, पढ़ना चाहते हो बेटे? मन करता है पढ़ने का? करता है, तो हम दाखला आपको दिलाएंगे। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि जो छाछ होता है, अनाज को फटक के उसका जो कूड़ा निकाला जाता है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। यहाँ सबसे पहले दिखाएंगे कि यहाँ देखिए आंटी यहाँ पे बैठी हैं और काम कर रही हैं। अच्छा अच्छा, चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि आप बनाते कैसे कैसे हो। अम्मा जी कैसे कैसे बनाते हो, ये कहाँ से, ये क्या चीज़ है, थोड़ा बताओ। सीख है, सीख सीख सीख, झूलों में जो निकलती बीनों में से। अच्छा हाँ, ये नहर नदी पर आती है। ये कलाकारी है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ। इस तरह से इसको तैयार किया जाता है और हाँ अनाज फटकने का काम करते, कैसे फटकते हैं अम्मा जी? ऐसे फटका अनाज, ऐसे करके ना, ऐसे करके अनाज लेते हैं। जब हम गांव में रहते थे अम्मा, जब हम गांव में रहते थे ना छोटे छोटे से, तो हमारे गांव में हमारी दादी, अनाज हमारी अम्मी ऐसे फटकती थी, हमारी माँ है ना, तो अभी भी यही सब चलता है गांव में? तो गांव में यही चलते है ना, यही चलते गांव में, हमारे बच्चे फेरी करते। बना कैसे लेते हो, थोड़ा बना के दिखा देंगे ना? काटेंगे, अभी सीख काटेंगे, काटेंगे जब बनाएंगे। अच्छा अच्छा, जब तैयार करेंगे इन्हें। अच्छा सीख कैसे काटते हैं इसकी? देखो वो काट रहे हैं। चलो एक चाची वहाँ पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बस्ता कुछ भी, बस ये बचा है, क्या नाम है, मजदूरी निकला, जरा से बच्चे लगे रहे, मैं लोंडिया लगी रहे मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज हाँ जी, मनोज भाई ये काम सारा परिवार घर पूरा करता है? हाँ जी, सब पूरा परिवार हमारे ये काम करता है। और देखो जी मजदूरी इतनी ना मिलती जितनी होनी चाहिए, खाली 200-250 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, उसमें बच्चे पालते हैं और दूर से लाते हैं ना खरीद के। हम लोन लेने को जाते हैं, लोन सरकार देती नहीं, बैंक लोन नहीं देती कि हम थोड़ा देखो पैसा मिला, थोड़ा नया काम आगे बढ़ा दें, जो आगे को। ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको मिलना चाहिए। चलो पहले दिखा देते हैं एक बार कैसे कैसे बनाते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। क्या क्या कह रही हो? सबके लिए है। चलो पहले ये दिखा दो, फिर आपको बताएंगे कैसे योजना होगी। गुड़िया देखो, छोटी सी गुड़िया है, देखो अपने घर पे ही है, अपने घर पे ही बैठ के, यही घर है ना आप लोगों का? अपने घर पे बैठ के छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग काम करते रहते हैं। बेटा कैसे बनाओ, काटोगे, काट के दिखाओ। हाँ ये चाकू है, दिखाओ। अरे बाप रे, बस 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 बस, इससे काटोगे? हाँ चलो उन्हें काटते हुए दिखाएंगे। चलो इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, वो इसको जो काटने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से पहले खेतों में जाके ये बींड जो है काटी जाती है, उसके बाद इसको यहाँ लाया जाता है। तो आप लोग जो है इसको कैसे कैसे तैयार करते हैं? ये काटते हैं ऐसे करके, ऐसे करके इसको काटा जाता है, छाटते हैं। फिर छाँटने में क्या मतलब, कुछ खराब भी होता है इसमें? हाँ हाँ, अच्छा बेकार होती है, बेकार बेकार निकालते हैं, अच्छी अच्छी रख लेते हैं। हाँ दुनिया भर की मेहनत करा है, सुबह से बैठा है, शाम को उठा है, हम तो यहाँ बचत बचत नहीं होती? नहीं बचत होती तो फिर क्या आता, बच्चों को पालना तो पड़ेगा, काम तो करने पड़ेगा। 20 रुपए, हाँ कोई काम धंधा ना हमारे बच्चों के लिए, ना हमारे लिए मजदूरी, सबके लिए है, हमारे लिए मजदूरी भी ना, हमारी जवान जवान लड़की इसलिए करना पड़ा अपने घर पे, बाहर कहाँ भेजे अपने बच्चों को, बच्चे ही लगे रहते हैं। हाँ बस अपने साथ ही लगा लेते हैं बच्चों। लॉकडाउन में मैं आया था यहाँ पर, बहुत बुरा हाल था, क्या करे रोटी इन लोगों का, ये लोग फाके से दो दो तीन दिन दिन हमें तो दिया भी ना, खाना भी जो बटा वहाँ ले लेकर, हमें अनुकारे जैसे मालदार हो, हम कोई मालदार ऐसे हूँ मैं, मालदार। बहुत बुरे हालात थे उस दौरान लॉकडाउन में, तो
क्योंकि ये रोज के लाने खाने वाले लोग हैं, इस तरह से ये तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद में इस माल को जो है मार्केट में कौन लेके जाता है? ये गाँवों में फेरी भी घूमते हैं, दुकानों पर भी दे के आते हैं, जैसे कोई बरातों के ब्याह शादी के फंक्शन आते हैं तो उनमें तो 10-20 ले लेते हैं। अच्छा, हम तो 10-20 रुपए के मुनाफे से दिया मैं, कोई 10 ले ले, कोई 20 ले ले, कोई 5 ले ले, वरना गाँव में फेरी घूमते हम तो। अब बस ये अपने बच्चे पालन कर रहे हैं, जो योजना जो सरकार दे रही है वो योजना हम तक नहीं आती है, जाते वहाँ पे अभी कोई योजना नहीं आई, मना कर दे साहब, कहते अभी कोई योजना नहीं कि गरीबों के इनके लिए इस काम के लिए तो कोई योजना निकली नहीं है अभी तक, मना कर देते हैं तो हम चेहरा लेकर आ जाते हैं। अच्छा, भैया ये जो है, भैया ये जो भीड़ है ये इसको क्या बोलते हैं? ये सिरकी भी बोले हैं, बीड़ भी बोले हैं, ये बीड़ बोले हैं, इन्हें बीड़ बोलते हैं। तो ये जो है खेतों से लाई जाती है? नहीं, ये जो हम वहाँ से लाते हैं गढ़ से, गढ़ चोपले से नहीं, गढ़ से लाते हैं इन्हें खरीद के, गढ़ से खरीद। हाँ, तो वहीं बाजार लगता है इनका, वहाँ से लाते हैं खरीद के इन्हें, उसके बाद यहाँ ला के आप तैयार करते हैं ना, बनाते हैं हम। ये मेहनत की बात है और बाकी मेहनत का तो हर काम है, मगर मेहनत के बाद में अगर उनको पूरी मजदूरी ना मिले तो ये वाकई गलत हो जाता है। देखिए बिटिया यहाँ पे काम ये कर रही है और अम्मा जी भी काम कर रही हैं, आंटी काम कर रही हैं। हाँ, क्या क्या कह रही हैं आंटी? कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, किसानों से क्या नाम है, लाते हम मोल की, हमारे लिए कोई फायदा ना होता है इनमें, बच्चों को पालने में दुश्वार हो जाते हैं। हाँ, वही 100-200 रुपए मिलेंगे, बच्चों को रोटी कपड़ा लगता भी ले दे के क्या नाम गुजारा करते हैं। देखो गरीब आदमी है बहुत, हमारी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, गरीबों की कुछ सुनाई होनी चाहिए। योगी जी और मोदी जी ने तो बहुत व्यवस्था की है। हाँ, तो हमारी तो दुआ उनके लिए अभी है दुआ? हाँ, बहुत दुआ है गरीब आदमी। मकान तो आप लोगों को मिले नहीं मिले? मिल गए तो मिले हुए उनके, उसमें सरकार कहीं है ये भी। अच्छा, हाँ सरकार नहीं दिए थे हमें तो, जगह तो अपनी होगी। हाँ, पट्टे मिले हुए यहाँ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, सरकार की तरफ से आपको जो है ये मिला है। और ये फिलहाल तो देखो थोड़ा सा अंदर आ जाए, पहले बीड आएगी, उसको फिर काटा जाएगा, काटने के बाद में ऐसे पोड़े बना दिए जाते हैं और उसके बाद में फिर वो तैयार किया जाता है इस तरह से। और ये बड़ी बात है कलाकारी, थोड़ा वो दिखा सकते बना के कैसे, ऐसे इसको कैसे करते हैं? कोई बना रहे अंदर है? चलो आ जाओ भैया अंदर। हाँ आ जाओ, हाँ दिखा दीजिए। अच्छा, ये ऐसे भी होता है? तो ये प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक लानी पड़ती है ऐसे? हाँ जी, प्लास्टिक लानी पड़ती है, ऐसे मोल के लगती है। हाँ, ये ऐसे फंसा दिया जाता है, ये बात। ये कलाकारी है भाई, सीखा कहाँ आपने? हमारे बड़े बूढ़े बनाते थे तो अपने बड़े पुश्तैनी काम है? हाँ जी, पुश्तैनी काम हमारा शुरू से। अच्छा, बचपन से ही हम अपने महापुर के संग रहे और उनके संग बनाते बनाते सीख गए हम। हाँ, पुश्तैनी काम होता है तो? हाँ जी, पुश्तैनी काम है हमारा, ये बड़े बूढ़ों का दादा लाई काम है वैसा हमारा ही। अगर हमारी कोई खेती बाड़ी नहीं है, खाली बस ये अपने बच्चे पाल रहे, अपना बच्चे पालन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे मोड़ देते हैं आप आराम से? हाँ, ये भिजो के मोड़ी जाती है। अच्छा, तो घर में बच्चे भी काम बना लेते हैं? हाँ, बच्चे भी बना लेते हैं। देखो गुड़िया बना रही है एक अंदर, बेटा यहाँ आ जा, बेटा आ जा थोड़ा सा, आ जा बाबू आ जा, देखो कितनी अच्छी गुड़िया है ना। पढ़ाई भी करी बेटा कुछ है? हाँ, पढ़ रही है ऐसे तो बच्ची है बेटा, पढ़ाई वढ़ाई भी की थोड़ी बहुत बाबू? कहाँ तक पढ़े हो? बस पांचवी तक पढ़े हो? बिटिया को पढ़ाया नहीं आपने? हाँ जी, पढ़ाया था। पढ़ाई छूट गई है वो होली के बाद ही। देखो कितनी होनहार गुड़िया है ये, और पढ़ाई छूट गई गुड़िया की। सच बात तो ये है, गरीब लोग हैं, पढ़ाई भी तब की जाती है कि अगर कोई गुंजाइश हो,
मगर सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ा लेते बेटा, उनमें पढ़ लेते ना, ना पढ़ाएंगे बच्चों को। अब देखो तो महारा होली के बाद इन बच्चों को एडमिशन ही दोबारा इनका करवाया जाएगा, इनके सब बच्चों को भेजा। वैसे आधे से ज़्यादा हमारे मोहल्ले के बच्चे जाते हैं पढ़ने को, पर हम थोड़ा बेटा पढ़ाई करने का मन करता है? पढ़ने का मन करता है ना? Yes. है ना? तो पढ़ने जाओगे अब स्कूल खुलेंगे? हम आएंगे पक्का, अगर ये दाखला नहीं दिलाएंगे हम दाखला दिलाएंगे, जो खर्चा होगा वो हम करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है बेटे, पढ़ोगे ना? Yes. चलो ठीक है, और जितना हो सकेगा हम मदद कराएंगे, है ना? सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को पढ़ाना, सारे बच्चों को आपको स्कूल भेजना है और हम लोग खुद कराएंगे वहाँ पे जाके। सुन लीजिए, जितनी सुविधा वहाँ से मिल सकेगी वो सारी सुविधा बच्चों को पढ़ाने लिखाने की वो सारी हम करवाएंगे। ठीक है? हाँ, बच्चों को बिल्कुल पढ़ाइए, ये काम तो भाई पार्ट टाइम है। अगर आप लोग फ्री हो जाते हो तो बच्चे जैसे स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद कर थोड़ा बहुत कर लें, बाकी तो पढ़ाई में ध्यान दिलाइए, है ना? चलिए ठीक है, फिलहाल ये आपने देख लिया कि किस तरह से, इसका नाम है छाज, बुलंदशहर में ये सियाना अड्डे पर ये लोग रहते हैं। और अच्छा, तो चलिए इनको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये पूरी गली ही इस काम को करती है और सबके घर में यही कारोबार होता है, सबके यही होता है काम में। अच्छा अच्छा, क्या दिखा रहे थे? कुछ आप दिखाने वाले थे जी? लड़की मेरा जवान, खाने वाला, कमाने वाला। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? काम करते हैं। नशा करते हैं बेटिया? काम करते हैं आप लोग भी? आगे आ जाओ बेटा, अच्छा बेटा आ जाओ। तो एक बताओ, पढ़ाई वढ़ाई की कुछ? नहीं सर, पढ़ाई नहीं करते, सरकारी में चले आते हैं। सरकारी में चले जाते हैं, पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? हम दौमी में, अभी तो मतलब ज्यादा नहीं जाते। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। तेज बोल, नहीं पढ़ते, मतलब पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। पढ़ना चाहते हो? पक्का बताओ, पक्का बताओ, पढ़ना चाहते बेटे? जी सर। मन करता पढ़ने का? हाँ यस सर, करता है। यस सर। तो हम दाखला आपको दिलाएंगे सरकारी स्कूल से, आपके ड्रेस, आपके जूते, आपके हर एक चीज़ हम दिलाएंगे, ये प्रॉमिस हमारा। ठीक है? और हम लोग आएंगे बहुत जल्द, जब जैसे ही एडमिशन दोबारा शुरू होने वाले हैं, बहुत जल्दी होली के बाद में शुरुआत होगी, अगर हाँ बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवाएंगे आपको। अगर सरकारी में पढ़ना है, सरकारी में शादी वादी की व्यवस्था हो जाए इनकी? अभी तो बच्चे हैं, अभी से शादी करोगे इनकी? 18 साल की है? 18 साल की? तो अभी 18 साल की, पता 21 साल हो गया, अब 21 साल की बिटिया हुई है, उसके बाद शादी करो। अभी शादी कोई उम्र है बेटा कोई तुम्हारी? देखना बच्चे व्यवस्था हो जाएगी ना, मारे मारे सब काम हो जाएंगे, सरकार की तरफ से सब इंतजाम है। ठीक है, सब काम करवाएंगे, सबसे पहले बच्चों को पढ़ा लो पहले। अभी देखना वो दूसरी क्लास में बता रही, दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल तो इतना ही, दिखाते हैं और आगे।